हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरमानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और अभी टाइम हुआ है 9 और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइमिंग है और आज एक गड़बड़ होगी सुबह सुबह से। हाँ, मैं देख रही हूँ कि वैसे ये हो रहा है, ब्लर हो रहा है। तो आज सुबह सुबह गड़बड़ हो गई, मैं उठी 6:30 के आसपास, फिर आ गई, थोड़ा वॉशरूम गई, फ्रेश होकर पानी पीने आ रही थी तो एकदम से ना मेरा पेट दर्द हुआ। और मतलब जो इतना जो पेन है ना, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तो आज ना मैं टिफ़िन बना पाई, ना बेटी को स्कूल भेज पाई, क्योंकि आज उसको ब्रेड पिज़्ज़ा लेना था, आज उसके स्कूल में पार्टी थी। और ये भी ऑफिस नहीं गए, ये भी छुट्टी लेके बैठे हैं, क्योंकि अगर अच्छा लगेगा तो हाफ डे में जाएंगे, क्योंकि बच्चों को संभालना, खाना बनाना सब इन्हीं की आज ड्यूटी है। क्योंकि मुझे इतनी पेन हो रही, अभी जो थोड़ा मैंने वो गैस की दवाई ली तो 20-30% कम है, बट है ऐसे पूरा कम नहीं हुआ है। हिलने पे दर्द होता है, पता नहीं इतना दर्द क्यों हो रहा है। और कभी कभी होता है ऐसे 3-4 साल में, नहीं 2016 में मुझे ये हुआ था जब मेरी मदर इन लॉ थी और लास्ट टाइम आई थी, तब हुआ था। और तब पूरा 3.5-4 घंटे के बाद ठीक हुआ, अभी उसके बाद आज हुआ है। और मुझे याद है तब पापा ने दिया था ना दवाई, पापा ने जो दिया था दवाई तब ठीक हुआ था, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने तो दवाई दी थी, फिर उसके बाद ही ठीक हुआ था। और फिर भी 3.5-4 घंटे लग गए थे और आज एकदम से वैसे ही, उससे भी ज़्यादा पेन है। और लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आज आप खाना बनाओगे ना? डॉक्टर के पास भी देखेंगे, जाएंगे नहीं ना अभी? हाँ, अगर ज़्यादा फिर मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ तो फिर जाएंगे, लेकिन वो गैस की मेडिसिन कभी कभी होता है कि मम्मी बोलती है पानी आप कम पीते हो, तो तब भी होता है या गैस के लिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि गैस के लिए हो रहा था, या फिर पता नहीं सुबह 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 उठ के आने के बाद एकदम से स्टार्ट हो गया। और बेटे का तो छुट्टी था बट ये बाप बेटी का था, स्कूल और कॉलेज, बेटी का हाफ डे था, उसको सिर्फ जाना था पार्टी करने के स्कूल में। आज सारे बच्चों का वही था क्योंकि फ्रेंडशिप डे के लिए एक दिन पहले आज उनका पार्टी था स्कूल में। और सारे मैंने मतलब प्रिपरेशन कर दी थी ब्रेड पिज़्ज़ा के, कल रात कैप्सिकम तो गाजर तो था ही घर में, और चीज़ मोज़रेला चीज़ ब्रेड सब मंगा के रख दिया था। और क्या उसको मंडे दूंगी, और आ जा आप उससे पहले बात कर लीजिए वरना वो फिर दिमाग खराब। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, क्या बोलोगे आप? मैं क्या ये चाहूँ? आप बताओ। मैं ये कैप्सिकम ये चाहूँ। कैप्सिकम? आप कैप्सिकम खाओगे? सीनू क्या कर रहा है ये मैं आलू से खा रही हूँ। आज स्कूल ले गए? क्यों? किसने मारा बच्ची को? बच्ची तो ये है, दो दोस्तों, दो दो, बच्ची ये है हमारी बच्ची जिसके लिए आप भाई वकालत कर रहा है। ये तो बताओ क्या क्या मैंने कि मुझे वकालत चाहिए? वो कह रहा है कि बच्ची को क्यों मारा, किसने मारा तुम्हें? इसको तुमने क्या बाउंसर रखा है? हर वक्त आके हमसे झगड़ा करता है। ए गुंडा, ए गुंडा, कल कल झगड़ा क्यों कर रहे थे दीदी से? सुनो मैडम, आप बताओ आपके ड्रेस वगैरह सब रखे हुए आयरन होके? 6 बजे उठे हो? 7:30। और तब भी कह रहे हो कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो आज कल क्या फिर क्या करेंगे आज बताओ, क्या प्लान है? मेरे पास कोई खास प्लान नहीं। मैंने कल तो अपने दोस्त को मैसेज किया था कि मैं शायद ना आऊं क्योंकि मेरे ड्रेस में मैंने अभी वॉश करने के लिए डाली है, तो अगर सूख गई तो आ जाऊंगी वरना नहीं। उसके बाद उसने देखा ठीक है, आज सुबह मैंने उसे मैसेज किया मैं नहीं आ रही, रीज़न नहीं पता, रीज़न चेंज हो गया। तब भी उसने मुझे वो गुस्से वाली इमोजी भेजी है जैसे कि मैं जब जाऊंगी स्कूल में मुझे कच्चा चबा जाएगी। मंडे ले जाना? नहीं, हम एक हफ्ते से प्लान मामा थोड़ा बेटर फील कर रही है। एक हफ्ते से प्लान कर रहे थे ना सबके, मैं सबको मैंने ही कहा था, मेनली मैंने और मेरी दोस्त ने ही प्लान की थी पार्टी, और सबको क्या क्या लाना हमने डिसाइड किया था। नो क्या कर रहे हैं देखो, लिपस्टिक लगा रहे हैं, गुगु बंद कर देना उसको। तो सुनो क्या हो रहा है ये? हाँ
और ये है हमारे होस्ट ऑफ द चैनल लेटी हुई है। लेटी हुई है अभी तो, फिर भी बेटर लग रहा है। तब ऐसा लग रहा था ना जान ही निकल जाएगी। क्या जाए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या वेट करें? अभी थोड़ा कम है, थोड़ा वेट करते हैं। वेट करें शाम तक। हाँ, फिर से पेन हुआ तो जाएंगे। अच्छा तो आप लेटे रहो, मैं जाके कुछ इनके लिए नाश्ता बनाऊँ। देख लो मैगी बना दो, नहीं तो फिर ब्रेड है, ब्रेड सेक लो, खा लेंगे दोनों। मैगी बना लेंगे, नहीं तो ब्रेड तो है, ब्रेड तो खा सेक लोगे तो खा ले, नहीं तो नहीं सेकना तो मैगी है, चार पैकेट बना लो। आप क्या खाओगे बेटा? मैगी। लोग तो मैगी ही बोल। मैगी। महाराज आप क्या खाओगे? मैगी। और दूसरा मैगी ना हो तो? हाँ मैगी खाऊंगी। और तो चार दिन से बोल रहे हैं मुझे मैगी खाना है। मामा खाएगी। मामा नहीं खाएगी, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं क्या खाओ? आपको कुछ चाहिए, ग्लूकोज वाटर कुछ? नहीं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं लग रही है पापा। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। नहीं ऐसे मैं एनर्जी के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक हो जाएंगे, जितना होता है उससे ज्यादा टेंशन ले लेते हो, फिर अपनी तबीयत खराब करोगे। आप हो टेंशन की दुकान, मामा को छोटी सी चोट भी लग रही है, जो टेंशन है सातवें अस्पताल में पहुंच जाती है। अच्छा सिर्फ मामा के हो तो टेंशन होती है, आपको अगर कुछ हो तो बीमार पड़ते हो तो टेंशन? नहीं मम्मा भी मेरे साथ है, सबको पता है। हाँ सबको मतलब पूरी फैमिली में सबको। वो आपके लिए, शिनू के लिए, मेरे के लिए, बट मम्मा के लिए कुछ ज्यादा ही है। हमारे टाइम पे ये होता है कि अगर हमें बुखार होता है तो पापा बोलते हैं देखो दो, एक दो दिन देखो, अगर नहीं छूटता तो ले जाएंगे। मम्मा के टाइम पे सुबह मुझे उठा रहे अरे फीवर तो पता होता है ना एक दो दिन मामा में। फीवर होता तो यही होता है, डॉक्टर पाखो जी वो यही होता है घर पे। 12 ईयर एक्सपीरियंस। लेकिन मैं मामा से आपको ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार ज्यादा करते नहीं ना, क्या ज्यादा करते हो, हम सबको पता है पापा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको बताते नहीं लेकिन हम आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। कौन सब यही कहते हैं? नहीं अभी तो अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं जान के क्या करूंगी, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, जाओगी बेटी क्या पढ़ेगी? पापा बोल वो मैं डिसाइड करूंगी। 8th हो गया उसका, 9th 10th कौन सा स्ट्रीम लेगी, कैसे पढ़ाई करेगी, क्या पढ़ाई करेगी, कहाँ पढ़ाई करेगी, क्योंकि तुझे कहीं छोड़ के तो मैं नहीं रह सकती। तो जहाँ जैसे ऑपरेशन से उठने के बाद हुआ था ना खिंच रहा था, वैसे ही खिंच रहा है अभी, वैसे पूरा स्टोमक पूरा से खिंच रहा है, सारे नब्स वगैरह ऐसे पेन हो रहे हैं। अच्छा चलो वेट कर लेते थोड़ा सा, अगर बेटर फील कर रहे हो ना सुबह से। हाँ कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा तो हो गया। लगेगा मुझे लग रहा है और 1.5-2 घंटा लगेगा ना, फिर उसके बाद ही ठीक होगा। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी और सैटरडे का वीडियो था, एकदम से सुबह से स्टार्ट हो गई थी, तो हस्बैंड को छुट्टी लेकर रहना पड़ा था और उस दिन उनकी उन्हीं की ड्यूटी थी पूरा खाना बनाना और बेटे को संभालना। और देख रहे हो ब्रश करा रहे हैं, और डेली सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड ही कराते हैं, मैं बहुत कम कराती हूँ। उन्हीं का ड्यूटी होता है कि सुबह सीनू को ब्रश कराना, तो वो ब्रश करा के उसको रेडी कर रहे थे। और बेटी आ गई थी किचन में मैगी बनाने, और मेरी बेटी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता क्योंकि वो बहुत कुछ कर लेती है, सैंडविच बना लेती है, पराठे सेक लेती है, आटा गूंद लेती है, चाय कॉफ़ी बना लेती है, मैगी कर लेती है, तो मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। और बच्चों को इतना आना भी चाहिए, और वो अपने मैगी बना के पापा को उसने दे दिया, और फिर उसके भाई को उसने खिला दिया क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, सीनू खा नहीं पाता, तो उसने अपने पापा को देख के खुद खा के और भाई को खिला दिया। तो अच्छा भी लगता है, अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो बेटी संभाल लेती है, बाप बेटे मिलकर सब कुछ संभाल लेते हैं। तो ये देखिए दोनों भाई बहन कैसे एंजॉय करके मैगी खा रहे हैं। और अगर छुट्टी का दिन हो, संडे हो या ऐसे ही छुट्टी का दिन हो, तो दोनों को ना मैगी दे दो तो मतलब सब कुछ उसके बाद ठीक ही होना है। दोनों को मैगी इतना पसंद है, सारे बच्चों को तो ऐसे ही पसंद होता है। और मैंने मैगी नहीं खाई थी, मैंने खाया था पोहा और केला। और ये हमारे यहाँ जब ना पेट वेट खराब होता है उड़ीसा में, तो पोहा ही खाते हैं, दूध केला पोहा डाल के, तो वही मैं खा रही थी। बेटर फील हो रहा है आपको? थोड़ा सा। क्या बना रहे हो आज? आज
आज पापा बना रहे हैं, मम्मा ने बनाया। क्या बना रहे हो? यहाँ पे जैसे कोई खाने के लिए लाइन में लगते हैं ना, वैसे लाइन में लगे हो। मामा सिप कर रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे? ये वाला पूरी साग लाए कल पापा, इतने सारे। हाँ ये साग तो इसको बनाएंगे, ये देखो। तो ये इसको दाल के बिना भी खा सकते हैं ना, तो आधा मैंने बोला आज बना दो, आधा देखेंगे। पानी वाला चावल मिलेगा ये देखो, ये है ये पानी वाला चावल। हाँ थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा ये वाला बना देंगे। और क्या बनाने? करेला पहले काट लो फिर धोना, फिर उसके साथ। पहले मुझे करेला काट के दे दो, मैं करेला बना देती हूँ। ये मुझे खड़े होने में भी ना थोड़ा सा कैसा लग रहा है, देखो डांट खा के कैसे खड़ा है। बोलो मम्मा। पहले हम बना लेते हैं खाना, फिर उसके बाद खाने के टाइम पे मिलेंगे। और ये देखो, ये बिल्कुल मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन। लो बनाना खा लो, लो क्या पापा पिलाएंगे, एक बनाना खा लो। पापा को दो ये पापा, कोटे को खाए दो, सब खाते ही जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। कोटे खाए दो, दीदी को दे दो। ये लो खाए, ये आपका। और एक ही तो बच रहा है, आप खा लेते ना खत्म हो जाता। तो हस्बैंड ने मोर्चा संभाल लिया था। और ये ना जो पोई साग है, हस्बैंड बहुत टेस्टी बनाते हैं और मैंने इन्हीं से ही सीखा था ये साग बनाना, उनकी तो फेवरेट है ये और मुझे भी अच्छी लगती है। मेरी बेटी मेरे बच्चों दोनों को अच्छी लगती है। इसके साथ दाल की जरूरत नहीं होती, इसको ऐसे गर्म गर्म चावल के साथ, गर्म चावल में घी डाल दो और ये डाल दो, उसके साथ ऐसे ही आप खा लोगे। तो उन्होंने फटाफट से बना दिया और पोई साग और चावल, चावल तो मैंने बनाया था और करेला मैंने थोड़ा सा, मैं सब कुछ डाल के आ गई थी, वो सिर्फ बीच बीच में देख रहे थे। तो हमारा उस दिन का लंच यही था, करेला और करेला फ्राई, चावल और उसके साथ पोई साग, बहुत ही यम्मी बना था। और बेटी ने उस दिन ना खाया नहीं था, उस दिन वो बहुत लेट खाई थी। तो ये था उस दिन का हमारा लंच। फिर उसके बाद खाना खा के मैं सो गई थी और उठने के बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि हस्बैंड सुबह से मेरे हाथ की चाय नहीं पिए थे तो उनको चाय चाहिए था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा तो मैंने चाय बना ली। फिर शाम की पूजा कर ली और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने। और रात को मुझे ठीक लग रहा था, थोड़ी सी वीकनेस पता नहीं क्यों लग रही थी, बट बेटर था, इतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा था, मैं कर पा रही थी। तो मैंने बोला नहीं खाना मैं बनाऊँगी, बहुत हो गया सुबह तुम लोगों ने बना लिया। तो फटाफट से मैं आई किचन में, रोटी और भिंडी बना दिया, भिंडी आलू की सब्जी रोटी। तो ये था उस दिन का हमारा डिनर। तो ये पूरा ही ब्लॉग था उस दिन का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फाइनली रात के बज गए हैं 10 और अभी हमारा खाना पीना किचन क्लीनिंग सब हो गया, सिर्फ दूध बॉयल हो रहा है, दूध पियेंगे। और इन लोगों ने आज बहुत काम किया क्योंकि मैं बीमार थी इसीलिए। और ये तो 5:30 बजे खाई है क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब है, कोई डांडे वाला नहीं है। मैंने एक दो बार बोला मैं सो गई थी, फिर 5:30 बजे ये खाई है। लंच किया इसने 5:30 बजे, बट पापा ने सब्जी अच्छा बनाया था ना। हाँ आज पापा ने सब्जी, तारीफ करो सब लोग। नेटफ्लिक्स रिचार्ज कर दो। नहीं आज सच में इन्होंने अच्छा, आज पूरा मोर्चा हस्बैंड ने संभाला। तो ये था अच्छा कार्यक्रम, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया करके वीडियो पे एक अंगूठा दिखा दीजिए और चैनल पे नए हो बहुत सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको भेजिए और कमेंट में बताइए आज इन्होंने सब्जी बनाई थी आपको देख के कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय फ्रेंड्स, ड्यून माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।